Hi guys, myself Pankaj Kumar. I am back again with top important airports of India part 1. I welcome you all on our YouTube channel SSC Mitra. तो हम यहाँ पर आज भारत के कुछ important airports को पढ़ेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, mostly question पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊँचा एयरपोर्ट कौन सा है. तो उसका जवाब है कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट, जो कि लेह लद्दाख यूनियन टेरिटरीज में है, जिसकी हाइट अगर पूछ ली जाए, कभी वैसे पूछी नहीं जाती है, तो वो है 16,800 फीट अबू सी लेवल. ठीक. अब इसके बाद मैं आपको स्टेट वाइज एयरपोर्ट को लेके आया हूँ, जिससे कि आपको कभी ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़े इधर उधर से देखने में. तो सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के एयरपोर्ट्स बता देता हूँ. उत्तर प्रदेश का है सबसे पहले एयरपोर्ट है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है. उसके बाद यूपी का एक अगला एयरपोर्ट है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, जो कि वाराणसी में है, बाबा विश्वनाथ की नगरी. एक है नया एक एयरपोर्ट बन रहा है उत्तर प्रदेश में, जेवर एयरपोर्ट, जिसे एक स्विट्जरलैंड की कंपनी बना रही है, वो है नोएडा उत्तर प्रदेश में. उसके बाद है कुशीनगर एयरपोर्ट, जो अभी फिलहाल न्यूज़ में था कुशीनगर में, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है ट्रांसजेंडर की, तो ये है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में. एक है गोरखनाथ एयरपोर्ट, जिसका नाम चेंज करके अभी उसका कर दिया है महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट, जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, जहाँ से उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी आते हैं. एक आगरा एयरपोर्ट का भी नाम चेंज किया है. आगरा एयरपोर्ट का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर कर दिया गया है, तो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय एयरपोर्ट है आगरा उत्तर प्रदेश में. इसके बाद मध्य प्रदेश के एयरपोर्ट हैं. मध्य प्रदेश में मुख्यतः दो एयरपोर्ट हैं जो पूछे जाते हैं. एक है राजा भोज एयरपोर्ट, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है, और एक है देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, जो कि इंदौर में स्थित है. इसके बाद एक राजस्थान का एक और इम्पोर्टेंट है, जैसे वो महाराणा प्रताप एयरपोर्ट है, यह है राजस्थान के झीलों की नगरी उदयपुर में. उसके बाद दिल्ली में एक बहुत ही फेमस एयरपोर्ट है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आप सबको पता ही है, न्यू दिल्ली में है. उसके बाद कुछ और एयरपोर्ट लेके आया हूँ, टॉप 20 एयरपोर्ट का लिस्ट यहाँ पे है. बिहार का एक फेमस एयरपोर्ट है, जो है लोकनायक जयप्रकाश एयरपोर्ट, जो कि पटना बिहार की राजधानी में स्थित है. झारखंड के एयरपोर्ट, दो एयरपोर्ट हैं, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, जो कि झारखंड की राजधानी रांची में है, एक सोनारी एयरपोर्ट है, जो कि जमशेदपुर में है. पंजाब का एक फेमस एयरपोर्ट है श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट, जो कि अमृतसर में है, क्योंकि अमृतसर को बसाया भी गुरु रामदास जी ने था, तो उन्हीं के नाम पर ही एयरपोर्ट का नाम है. हिमाचल प्रदेश का एक एयरपोर्ट है भुंटर, और आई डोंट नो दिस इज राइट प्रोनाउंसिएशन और नॉट, बट आई कॉल्ड इट भुंटर एयरपोर्ट, विच इज इन कुल्लू. एंड नेक्स्ट इज छत्तीसगढ़ का एक स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित है. और उड़ीसा से हैं दो एयरपोर्ट, बीजू पटनायक एयरपोर्ट, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी में है, बीजू पटनायक. उसके बाद है झारसुगड़ा एयरपोर्ट, जिसे वीर सुरेंद्र सिंह एयरपोर्ट भी कहते हैं, ये भी उड़ीसा में स्थित है. पश्चिम बंगाल के भी दो एयरपोर्ट हैं, जिसमें से एक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है. इसी एयरपोर्ट को दमदम एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, तो आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लें, कई बार के इसको दमदम एयरपोर्ट के नाम से भी पूछ लिया जाएगा. एक है बागडोगरा एयरपोर्ट. बागडोगरा एयरपोर्ट है सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में, तो मैंने ये बंगाल लिख दिया क्योंकि आपको कई बार सिलीगुड़ी का पता नहीं रहता कि सिलीगुड़ी है कहाँ पे, तो ये है सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में. थैंक यू. अब नेक्स्ट पार्ट हम कल लेके आएंगे 20 एयरपोर्ट का. तो इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल पर.